हेलो गाइस, चलिए आज हम बना रहे हैं एक हेल्दी नाश्ता। इसके लिए हमें चाहिए कुछ वेजिटेबल और 2 कटोरी ओट्स। ये हमने ले लिए हैं 1 कटोरी ओट्स, इसी से हम दूसरी कटोरी भी ले लेंगे और इन्हें हम भूनेंगे। हल्का सा भूनना है इसे, इन्हें ज़्यादा लाल करके नहीं भूनना है, इन्हें इनका कलर चेंज नहीं करना है, हल्का सा भूनना है बस। और भूनने के बाद इन्हें ठंडा होने देंगे। ठंडा हो जाएंगे तो इनके लिए हमें एक मिक्सी जार में डालकर इन्हें पीसना है। और इनका ये पाउडर बनाकर तैयार करेंगे। ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है। और ये देखो पीसकर तैयार हो चुके हैं, ऐसे इस तरीके से पीस लेना है। और एक इसे बाउल में निकाल लेंगे आप और इसे मिक्स कर देंगे। और इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच दही। इसे भी डालकर मिक्स करेंगे। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और एक अच्छा सा पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। पेस्ट को हमें पतला नहीं करना है, गाढ़ा ही रखना है। अब डालेंगे नमक, और नमक डालकर इसे कर देंगे मिक्स। और हमने कुछ वेजिटेबल काट कर तैयार करी थी, इसमें वो भी डाल देंगे। टमाटर है, गाजर है, शिमला मिर्च है, हरी मिर्च, और आपके पास जो भी सब्जियां हो आप वो डाल सकते हैं। और डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और एक गाढ़ा सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। चलिए अब इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच सोडा, या आप नींबू भी डाल सकते हैं। और इसे भी डालकर अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। और अब लेते हैं हम 1 तड़का पैन, इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें डालेंगे राई। और थोड़ी सी डालेंगे चना दाल, आधा चम्मच चना दाल, आधा चम्मच उड़द दाल। इन्हें डालकर मिक्स कर लेंगे। थोड़े से डाल देंगे कड़ी पत्ती। और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इन सब को भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अभी तड़का तैयार हो चुका है, इसे हम घोल में डाल लेंगे। इसे भी डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और अब लेते हैं 1 इडली स्टैंड। और इसे हम कर पानी डालकर गर्म होने को रख देंगे। इसमें 2 गिलास पानी डाल देंगे। और स्टैंड को हम थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे, इससे कि हमारी इडली चिपकेंगी नहीं। और अब इसमें 1 चम्मच इसमें डाल देंगे। और अब इसे हम बनने के लिए रख देंगे। 10 से 15 मिनट के अंदर बनके तैयार हो जाती हैं। अब ये मैंने 15 मिनट बाद देखी, खोलकर चेक कराए, ये बनकर तैयार हो चुकी हैं। मैं इसमें देखिए चेक करते हैं, ये इडली बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब इन्हें हम ठंडा होने देंगे।
ठंडा होने के बाद ही आसानी से निकल आती हैं। ये आप एक बार बनाएं, बहुत खाने में बहुत अच्छी लगती हैं और हेल्दी भी हैं, क्योंकि हमने इसमें वेजिटेबल ओट्स का यूज़ किया है। ये देखिए, ये सारी कितनी इडली आसानी से निकल रही हैं। इसे आप सांभर या चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं, सुबह सुबह का हेल्दी नाश्ता। देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है। अब इसे सांभर के साथ तैयार हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।